पहला काम जो किसी भी निर्देशक का होता है वो बहुत हमेशा उसका सबसे अच्छा होता है, सबसे प्योर होता है, सबसे इंटरेस्टिंग होता है। और एक्टर्स बहुत अच्छे हैं फिल्म में, बहुतों को मैं बहुत जानता हूँ। सुमित तो बहुत अच्छा एक्टर है ही, पंकज बहुत अच्छा एक्टर है, मनीष चौधरी, मोना, सब बहुत बेहतरीन कास्ट है। और एक बहुत रियलिस्टिक सी, अर्जेंट सी फिल्म लग रही है, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत अच्छी होगी। और मेरी शुभकामनाएं। जब कुछ नए लोग आते हैं माध्यम में तो मीडियम को एनरिच करते हैं, बहुत बड़ी अच्छी बात होती है। और मैं तो हमेशा नए लोगों की फिल्में देखता हूँ, उनसे बहुत इंकरेज होता हूँ। तो मेरे को तो यंगर लोग जो है वो बहुत इंस्पायर करते हैं। तो आई होप दे सक्सीड एंड ऑल द बेस्ट टू देम। आई मीन इट्स वंडरफुल एंड वेलकम टू द मीडियम एंड वेलकम टू ऑल इट्स प्रॉब्लम्स। जो फिल्म है बेसिकली वो तरुण और सृष्टि की कहानी है, और कुछ हरकतें होती हैं तरुण द्वारा और सृष्टि द्वारा जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और उस प्रश्न चिन्ह का जो जवाब है वो पास्ट में है, दैट इज़ व्हाई द फिल्म इज़ कॉल्ड माजी। बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे एक अलग मीडियम में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली, और वो भी इतनी प्यारी सी स्क्रिप्ट में जिसमें यू नो द कैरेक्टर वाज सच अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इन विच आई गॉट अ लॉट टू परफॉर्म, अ लॉट टू पोर्ट्रे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट।